अब मैं आपको, और भी लेखक हैं और भी बड़े जाने माने लोग हैं, पर थोड़ी यहां भी समय की सीमा है, तो मैं अपने बारे में कुछ कहता क्योंकि मैं गुजरात में कभी ये चांस में खोना नहीं चाहता। और आज मेरे मन में था जब मैं सूरत आया, ये कभी कभी मेरे से प्रश्न पूछा जाता तो कि आप मोदी जी से पहली बार कब मिले, और मैं मिला उनसे 2011 में जब वो चीन आए थे, उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं राजदूत था वहां, और मैंने इसके बारे में लिखा है, इस किताब में लिखा है। पर उसके पहले हमारी बातचीत भी हुई थी आने के पहले, और ये बातचीत जो सूरत के रहने वाले हैं ये जरूर याद रखेंगे। आपको याद है कि 2010 में आपके 22 साथी थे जो चाइना में, उनको अरेस्ट किया गया था और उनके खिलाफ ये डायमंड स्मगलिंग का आरोप लगाया गया था। अब देखिए, पूरे दुनिया में भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग 3 करोड़ से ज्यादा हैं। मैं 22 लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये हो सकता था कि कोई कहे कि भाई 22 ही लोग हैं, चलो हो जाता है, कोई स्मगलिंग भी करता है, नहीं करता हो तो कई कभी कभी गलती भी हो जाती है, जो सिस्टम इसका कुछ करेगा। मेरा पहला कांटेक्ट, मुलाकात नहीं थी उस समय, मेरा पहला कांटेक्ट मोदी जी के साथ इस विषय पर था। और जो मैंने कहा ना कि एक बार पीछे पड़ जाते तो भाई मान लो पड़ जाते पीछे। और ये पूरा 2010 में बात करते गए, छुड़वाने के चक्कर में थे, और वो आए 2011 में आए, बाकी चीजें बात तो हुई, पर उनके मन में था, बहुत ही स्ट्रांगली ये फील करते थे कि इनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे छुड़वाना है किसी तरीके से। तो जब वो उनकी जो चाइनीज लीडरशिप के साथ जो मेन मीटिंग जो हुई, उन्होंने ये बात उठाई और कहा कि देखिए, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, मेरे 22 लोग यहां फंसे हैं, और मुझे लगता है कि जो उनके बारे में जो कहा जा रहा है, हो सकता कि कहीं किसी से थोड़ी गलती हो, पर ये पूरे 22 के 22 इनके साथ, इनको सबके साथ जो किया गया है ये ठीक नहीं। और जो मैं कहता हूं, जो ये यही जो अभी राष्ट्रपति पुतिन के साथ या जो किंग सलमान सऊदी अरेबिया के साथ जो जो मैंने उदाहरण दिए, उनकी जो मैं कहूंगा फोर्स ऑफ पर्सनालिटी जो है ना, वो जब तक उनको आश्वासन नहीं मिला कि इसमें चलिए हम कुछ तो राहत देंगे आपको, तब तक उन्होंने बात नहीं छोड़ी। और उस विजिट के कारण 22 में से 13 लोग बिना, माने उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप हो गए और वो वापस गुजरात कुछ हफ्तों में आ गए। और जो बाकी जो थे उनके, हाँ कुछ लोगों के खिलाफ माने सबूत भी था तो कुछ सेंटेंसिंग हुई, बट मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी किया गया, जो नॉर्मल वहां जो सेंटेंसिंग होती है उससे कम हुआ। और मैं ये घटना मेरे मन में इसीलिए है कि बाद में पिछले 8 साल में जो हम लोगों का अनुभव जो है, जो मैं यूक्रेन की बात करता हूँ या यमन की बात करता हूँ, या आप जानते हैं कि ये महामारी के समय में ये वंदे भारत मिशन जो था, वंदे भारत मिशन में 70 लाख नागरिक वापस आए, सोच लीजिए 70 लाख। दुनिया के इतिहास में ये नंबर कभी किसी सरकार ने कभी ये किया है क्या नहीं है ना,
आगे मुझे लगता कि कोई कर भी पाएगा, कि इसके पीछे एक सोच है।